देखिए, मैं 2022 से अग्निपथ स्कीम से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चीफ ऑफ पर्सनल था 2022 में, जून में, जब ये स्कीम अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, और तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ कि बहुत सारे अपने पदों में। तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम दिसंबर 2022 में भी यहाँ देखा था, जो पहला बैच आया था, और उसके बाद इनको मैंने समुंदर में देखा है। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस मैंने खुद अशोर देखी है, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, फ्लीट कमांडर्स हैं हमारे, कमांडर्स इन चीफ्स हैं, उनका जो इनपुट है, वो सब मिला के मुझे जो पता चला है कि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। और चाहे वो मैन अग्निवीर हों, चाहे वुमेन अग्निवीर हों, वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अग्निवीर को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं, अभी तो काइंडली भारत रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग दिस जब क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू द पासिंग आउट परेड। अगर आपको इसके लिए कोई सवाल है तो आप पूछ इंडियन यूथ सकते को हैं। क्या बोलेंगे सर, अग्निवीर में घुस जाने के लिए? क्या बोलेंगे? इंडियन यूथ को सर क्या बोलेंगे अग्निवीर में बढ़ जाने के लिए? बिल्कुल, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। सभी जो हमारे यूथ हैं कंट्री के, बहुत सुनहरा मौका है कि आपको कम से कम 4 साल तक भारतीय नौसेना के बारे में बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी और आर्मी और एयरफोर्स में भी 4 साल तक कम से कम अपना समय देने का और सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है, और उसके बाद अगर आपको नहीं करना है तो आप फिर बाहर जा सकते हैं, और जो सोसाइटी में और बहुत सारे जो वोकेशंस हैं वो ले सकते हैं। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि आएं, और आपकी अपनी नौसेना, आपकी अपनी सेना में आके 4 साल अपना योगदान दें। नाभिक को और गौरवान्वित करने के लिए क्या क्या और योजना नाभिक की तरफ से बनाया गया है? ठीक है, व्हाट ऑल द न्यू स्कीम्स बीइंग लॉन्च्ड इन द इंडियन नेवी, वी कैन गेट आउट ऑफ दिस फॉर दी फॉर द इंडियन नई नेवी योजना अग्निवीर के लिए, किसी और के लिए? मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, इसका आंसर ही एक थोड़ा ग्रेट सा टच कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ आईएनएस देखिए, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी एनहेंसमेंट जो नौसेना का होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और मेरे से पहले जो 25 नौसेना अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी लीडरशिप एंड उनकी विजन की वजह से ही हमारी नौसेना जो आज यहाँ पर है, जो विश्व में हर विश्व की नौसेना हमारे साथ काम करना चाहती है, और मैं इसलिए मेरा ये दायित्व है अब 26वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में कि मैं उसको बरकरार रखूं, और हमारी जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से हमें सहयोग कर रही है, हमें जो भी रिसोर्सेस हों वो दे रही है, और मैं आगे नौसेना का बहुत ही अच्छा भविष्य देख रहा हूं। थैंक यू सर, वी लाइक द क्वेश्चन सर। साइबर कंट्री से लास्ट करने जा क्वेश्चन, रहे हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन, वो नहीं बोला, लास्ट लास्ट सर, मेरे कोस्टल एरिया में अभी जो उड़ीसा कोस्टल एरिया में नेवी की तरफ से कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे है? बहुत अच्छे हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट, नॉट ओनली ओडिशा, जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल सिक्योरिटी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, तो उसको हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, और नॉट ओनली उड़ीसा, लाइक आई सेड, बाकी अदर स्टेट्स ऑल्सो, वी आर डूइंग एक्सरसाइजेज, वी आर इंटरेक्टिंग विद द कोस्टल स्टेट्स, और ये कोस्टल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे लिए। हाई अलर्ट इन ईस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल यानी हाई अलर्ट इन ईस्टर्न कोस्टल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें पास हमें कोई ऐसा कोई सर, सर, में, हो सकता है कि पेट्रोलिंग कोस्टल एरिया में थैंक नेवी यू, की तरफ से पेट्रोलिंग थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। ऑपरेट आई थिंक दिस इज इनफ, सीएनएस हैज गॉट अनदर प्रोग्राम, आपसे आप बाद में बात ये एक ही बात, ये एक ही क्वेश्चन है, बता दिया मैंने, सब बढ़िया से चल सर, रहा है, 4 महीने का जो आप ट्रेनिंग चिंता है नहीं अग्निवीर करें। के लिए सर, ये काफी है ना, उसको बढ़ाना चाहता सर। सर रिक्वेस्ट ये बाद में, सभी को जिसमें पोर्टुगल ओके, थैंक यू वेरी मच, रहा है थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू वेरी मच फॉर